और अब रुक करेंगे अलीगढ़ का, जहां पर बीजेपी खैर से चेयरमैन सहित 6 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जमीनी विवाद के चलते बुलंदशहर के कुख्यात अपराधी 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की यहां पर हत्या करने के लिए पहुंचे थे, और चेयरमैन और पूर्व विधायक के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाना था। अब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक और कार बरामद कर ली है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी और हथियार को भी बरामद किया गया। खैर, पुलिस ने ये खुलासा भी कर दिया है और पुलिस ने एक लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार एसएसपी कलानिधि नथानी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और भारतीय जनता पार्टी खैर के मौजूदा चेयरमैन संदीप अग्रवाल का सिंचाई विभाग की एक जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। इसी विवाद को लेकर मौजूदा चेयरमैन ने 25 लाख रुपए में पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा की हत्या की सुपारी दी, और ये सुपारी बुलंदशहर के एक कुख्यात अपराधी को दी गई थी। हत्या का संदेह होने पर पूर्व विधायक के द्वारा एसएसपी कलानिधि नथानी से इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद एसएसपी ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया है और पुलिस की कई टीमें गठित की गई और पुलिस हर मूवमेंट पर नजर रखने लगी। और आज इसी क्रम में पुलिस ने बीजेपी से मौजूदा चेयरमैन समेत करीब 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी और इनके कब्जे से एडवांस में दी गई बतौर जो राशि है उसे भी बरामद किया गया, और इसके अलावा 1 कार और 3 बाइकों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या में प्रयोग होने वाले हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पकड़े गए आरोपियों में विकास के निवासी, विकास बताया जा रहा है, जो कि खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, राजकुमार जाट खुर्जा बुलंदशहर का है, संजय बुलंदशहर का रहने वाला है, राहुल शर्मा निवासी बुलंदशहर और करण सैनी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया। खैर, पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अपराधियों के होटल में बैठे हुए हथियारों के साथ फोटो भी सामने आए हैं, और इसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज को भी सीज कर लिया गया है। 27 अगस्त को सिर्फ प्रमोद गौर द्वारा एक तहरीर थाने पर प्रस्तुत की गई, थाना खैर पर, जिसमें उनके द्वारा निर्दलीय चेयरमैन बताते हुए संजीव अग्रवाल उर्फ बिट्टू, इसके अलावा विकास शर्मा और राजकुमार जाट, इन तीनों को वहां पर नामजद किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि संजीव अग्रवाल वहां के नगर पंचायत का चेयरमैन है, और यह भी बताया गया कि इनके द्वारा इनकी हत्या की साजिश की जा रही है तथा कुछ क्रिमिनल्स को हायर करके इनके खिलाफ जो इनके विरुद्ध जो है ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल छानबीन शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर, होटल के डॉक्यूमेंट के आधार पर, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर 3 अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनका नाम संजय, राहुल और करण है। बरेली का विकास प्राधिकरण लगातार अवैध होटलों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, और साथ ही साथ एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां पर जेई अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। मामला है थाना सीबीगंज क्षेत्र के तिलियापुर से, जहां बाईपास रोड का यह मामला है। यहां पर जला आकाश की कंपनी का अवैध निर्माण जेई एसपी सिंह की मिलीभगत से करवाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेई साहब पर वहां आ चुके हैं और पहले से ही मिलीभगत की सूचनाएं भी सामने आने लगी। जानकारी लेने पर फोन ही नहीं उठाया जा रहा और जेई साहब या किसी भी अधिकारी से कोई बात नहीं हो पा रही है। सवाल पूछने पर वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। सब बंदर बांट करने में यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ आपको बता दें कि जहां से पैसे नहीं आते उसी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मनोज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार से बताइए क्या कुछ घटना रही है और अब क्या कार्रवाई हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि बरेली में सीबीगंज क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, और इस क्षेत्र में ताबा तोड़ अवैध जो है निर्माण चल रहे हैं। जैसे हजारों बार पूछा गया कि सर ये निर्माण अवैध है, तो जेई का कोई जवाब होता ही नहीं है। इसमें एक जल आकाश कंपनी है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रही है। हमने जेई से पूछा कि ये अवैध निर्माण है, तो जेई ने बोला कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। इस तरह के मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे निर्माण बरेली में चल रहे हैं, और बीडीए के अधिकारी जो है मौन बैठे हुए हैं, बिल्कुल बताने को कुछ तैयार ही नहीं है। इसमें क्या माने? तो मनोज, इस चीज को लेकर क्या कोई साक्ष्य सामने आए हैं या किसी की तरफ से कोई शिकायत की गई है कि ये जो निर्माण किया जा रहा है वो अवैध है? साक्ष्य की बात करें तो हम
हमारी टीम जो है मौके पर गई थी और हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी और जेई साहब से पूछा भी कि ये निर्माण जो है अवैध है या वैध है, तो जेई साहब का जवाब नहीं था कि हमारे को कोई इस विषय मालूम ही नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कह रहे हैं जेई साहब आके निरीक्षण कर जा चुके हैं, तो इसमें क्या समझते हैं कि सब अवैध निर्माण है। तो मनोज मतलब मिली भगत से यहाँ पे काफी बंदरबांट किया जा रहा है और हम भी देख पा रहे हैं कि क्या काफी बड़े लेवल पर यहाँ निर्माण किया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या और किसी आला अधिकारी से आपकी बात हो पाई है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अगर संज्ञान में नहीं भी है ये मामला तो कब तक इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जी मेरी बात एफसीएन से हुई है, मित्तल जी से, उन्होंने भी जो है जेई को बुला के डांट डपट कर दी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई के नाम पे जो है कुछ नहीं है, जीरो बेटे सन्नाटा है कार्रवाई के नाम पे, बस आके एक दो बार डांट डपट देते हैं एफसीएन साहब, उसके बाद में फिर मामला जो है पेंडिंग में चला जाता। मनोज ये भी आरोप सामने आ रहे हैं कि कुछ जो होटल्स हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और बुलडोजर चलाया गया है, तो अब ये धारणा बन चुकी है लोगों की कि जिसके पास पैसा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसी पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जी जी जी, जिसके पास पैसा नहीं है वो उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और जहां से पैसा आता है उस पर बुलडोजर नहीं चलता है, बीडीए की कार्रवाई है। तो यानी कि योगी राज में जहां पर सरकार दावे कर रही है कि अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे, वहीं पर इस तरह के अधिकारी भी सामने बैठे हैं जो कि सरकार की जो मंशा है उस पर पलीता लगाने में जुटे हैं। मनोज आपसे समझना चाहेंगे क्या इस तरह की कोई और भी अवैध वहां पर निर्माण किया जा रहा है, कितने कुल अवैध निर्माण वहां पर किए जा रहे हैं इलाके में? मैं बताना चाहूंगा बरेली में 700 कुछ कॉलोनियां जो है बीडीए ने अवैध ठहराई थी, लेकिन उस अवैध कॉलोनियों का एफसीएन मित्तल जी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, बोले मेरे मामला संज्ञान में नहीं है, जब संज्ञान में होगा तब मैं आपको बताऊंगा इंक्वायरी करा के। और कितना समय हो चुका है इस बात को? जी मनोज कितना समय हो चुका है? जी ये तो 2012 के 12 का मामला है। और अधिकारी से आपकी कब बात हुई जब उन्होंने कहा कि हम संज्ञान में लेंगे इस मामले को? ये मामला तो भाई परसों तरसों का है, लेकिन मैंने और भी पता करा था तो बरेली में अनगिनत कॉलोनी अवैध है, लेकिन बीडीए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार नहीं है। तो दर्शकों को बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले बातचीत की गई अधिकारियों से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला संज्ञान में लें है। अब देखना ही होगा कि आखिर कितना समय लगता है कि वो मामला संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें, जांच की जाए। फिलहाल मनोज बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और दर्शकों को बता दें कि बरेली से खबर सामने आ रही है जहां पर धड़ल्ले के साथ अवैध निर्माण कराया जा रहा है, और ऐसे में अगर अधिकारियों से जो भी संबंधित अधिकारी उनसे पूछा जाए तो वो पल्ला झाड़ देते हैं कि ये मामला हमारे संज्ञान में है ही नहीं। अब जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर अगर मामला संज्ञान में नहीं है तो संज्ञान में है क्या, क्योंकि काफी बड़े तौर पर आप भी देख सकते हैं काफी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और सरकार की नाक के नीचे, अधिकारियों के नाक के नीचे आखिर इतना बड़ा निर्माण कैसे हो सकता है, और वो कैसे कह सकते हैं कि मामला संज्ञान में नहीं है, और अगर नहीं भी है तो अब आखिर कब तक इस पर कार्रवाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है जिस पर अधिकारी जवाब देने से पीछे हट रहे हैं।